जो इसराइल है वो एक के बाद एक हमले यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। IDF की तरफ से एक के बाद एक हमले यहाँ पर हो रहे हैं। लेबनान में लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी है। हिजबुल्ला के ठिकानों को तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार कि किस तरीके से इजराइल की ओर से जो बमबारी की गई, लेकिन अब बात करेंगे लेबनान की, जहां पे जिस तरीके से हवाई हमले हुए हैं इजराइल की ओर से, उसकी भी तस्वीर जरा देखिए। किस तरीके से मिडिल ईस्ट में पूरी की पूरी आग भड़की हुई दिखाई दे रही है, जहां पे इजराइल की ओर से भी पहले हमले किए गए हिजबुल्ला के ठिकानों पर, पहले हमले किए गए लेबनान पर, लेकिन अब देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये है दक्षिणी लेबनान के आदिशे पर ये हमला हुआ है, जहां पे हवाई हमले के बाद लेबनान दहल गया है। IDF ने यहां पे हिजबुल्ला के जो अड्डे थे, जो सुरंगें थी, जो बंकर थे, उन सबको उड़ा दिया है। दूर से आपको देखकर लगेगा कि ये पहाड़ियां हैं, लेकिन इसके अंदर है सुरंगे, इसके अंदर है बंकर। लिहाजा जिस तरीके से दक्षिणी लेबनान में आदिशे पर हमला किया गया IDF की ओर से, उसके बाद देखिए किस तरीके से धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है आपको पूरे आसमान में, ये हवाई हमला है और लेबनान पूरा का पूरा दहलता हुआ दिखाई दे रहा है। IDF की ओर से ये बड़ा हमला जिस तस्वीर को दिखा रहे हैं, और मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि आखिर कैसे IDF ने हिजबुल्ला की पूरी तरीके से रीढ़ तोड़ कर रख दी है। बड़ा ऑपरेशन, बड़े हमले यहां हिजबुल्ला पर अटैक करते हुए किए गए। लगातार बमों की बारिश अलग अलग बंकर्स पर, हिजबुल्ला के ठिकानों पर की जा रही, और वहीं बड़ा अटैक यहां अब किया गया। जहां एक तरफ IDF लगातार हमले यहां पर कर रही है, हिजबुल्ला की तरफ से भी एक्शन हो रहा है। हिजबुल्ला की तरफ से लगातार इसराइल पर मिसाइलें दागी जा रही, लेकिन आयरन डोम पूरी तरह से एक्शन में है। आयरन डोम आखिर कैसे पूरी तरह मुस्तैद है और इन हमलों को निस्ते नाबूद कर रहा है, हवा में ही इन हमलों को खत्म कर दे रहा है आयरन डोम। एक तरफ आयरन डोम पूरी तरह से अड़ा हुआ है, थाट भी पूरी तरह से एक्शन में है। लगातार जिस तरीके से हमले एक के बाद एक हिजबुल्ला की तरफ से भी किए गए हैं, उस पर आयरन डोम लगातार जो है वो एक्शन में है। वही रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण इस वक्त बन गए हैं, जहां इसराइल को धमकाते हुए ईरान ये कह रहा है कि इसराइल ने जो किया है उसका जवाब अब उसे मिलेगा, वो समझा नहीं है, उसे समझाने की जरूरत है। देखिए ईरान को इसराइल ने मिसाइल के बदले मिसाइल का जवाब दे दिया है। ईरान भी कह रहा है कि अभी इसराइल समझा नहीं, उसको समझाना होगा। ईरान और इसराइल के बीच अब युद्ध खुलकर होगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, अपनी ताकत बता रहे हैं। इसराइल ने अपने घातक फाइटर जेट F-35 का मुंह जहां ईरान की तरफ मोड़ रखा है, तो वहीं ईरान ने अपने खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई 35 को फिर तैयार कर लिया है। इसराइल के सिर पर अमेरिका का हाथ है, तो वहीं ईरान रूस के हथियारों के दम पर उछल रहा है। मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट फॉल्कन 35i और सुखोई 35S तबाही का खाका खिंच चुका है।
यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि महाजंग और भड़कने वाली है। हमास और हिजबुल्ला से इजराइल पहले ही भिड़ा हुआ है। हमास की कमर तोड़कर उसकी टॉप लीडरशिप का इजराइल खात्मा कर चुका है और अब लेबनान में हिजबुल्ला के अड्डों पर इजराइल मौत और बर्बादी का बारूद ताबड़तोड़ बरसा रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्ला संभल नहीं पा रहा है। हिजबुल्ला के आतंकी अड्डे हथियार डिपो चुन चुन कर इजराइल अपने सटीक टारगेट से तबाह कर रहा है। सिर्फ हवाई हमले ही नहीं बल्कि जमीन पर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्ला की सुरंगें उसके लड़ाके सब खत्म करता जा रहा है इजराइल। हिजबुल्ला की सुरंगों में छिपे घातक हथियार इजरायली फौज कब्जाती जा रही है ताकि हिजबुल्ला इजराइल पर इन हथियारों से वार ना कर पाए। हमास, हिजबुल्ला, हूती, सीरिया और इराक के विद्रोही संगठन पर इजराइल के हमले से ईरान पर गहरी चोट पहुंची है क्योंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि ईरान की मदद से ही खड़ा हुआ है। लिहाजा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इजराइल के लिए काम करता है और अगर ईरान की आंखों के सामने उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो फिर ईरान का सपना सपना ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। वही ईरानी राष्ट्रपति पजिस्टिन कह रहे हैं कि जो इसराइल की तरफ से किया गया उसके बाद ईरान किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं, और साथ ही साथ अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके लिए इसराइल को लगातार अमेरिका उकसा रहा है। सुनिए जरा। इसराइल के हमलों के सामने ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने हमेशा अपने अधिकारों की रक्षा की है और ऐसा करना जारी रखेंगे। इसराइल को ईरान तगड़ा जवाब देगा। अमेरिका इसराइल को ऐसे अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिडल ईस्ट में लगातार एक दूसरे को जिस तरीके से इसराइल और ईरान धमकाते नजर आ रहे हैं तो क्या ईरान का पलटवार होगा और क्या ये युद्ध मिडल ईस्ट में और बढ़ेगा? संग्राम के आज के लिए इतना ही।